हमारे बीच में पहुंच चुके हैं हमारे उपखंड अधिकारी महोदय। बस एक साथ समाज प्रेम स्थल पर खड़े सभी सर्वांगी साधनों के साथ हमारे उपखंड अधिकारी महोदय श्रीमान श्याम सुंदर जी विष्णु साहब आपके बीच में हैं और यहां पर सर्वप्रथम ध्वजारोहण की रस्म यहां पर अदा की जा रही है। साथ में हमारे डीवाईएसपी साहब श्रीमान सुखराम जी विष्णु साहब और सभी अपने स्थान पर सावधानी की मुद्रा में ध्वजारोहण आप सभी अपने अपने स्थान पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान श्याम सुंदर जी विष्णु साहब हमारे एलडी साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और कुछ क्षणों के पश्चात हमारा ठीक 9 बजते ही हमारा ध्वजारोहण भव्यतम इस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ यहां पर ये गणतंत्र दिवस 74वां आपके बीच में और सभी चेतन शहरवासियों की सानिध्य में यहाँ पर मनाया जा रहा है। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान श्याम सुंदर जी विष्णु साहब उपखंड अधिकारी महोदय चेतारण और साथ ही डीवाईएसपी साहब श्रीमान सुखराम जी विष्णु साहब हमारे बीच में हमारे शिक्षा विभाग के 74वें गणतंत्र दिवस के इन गौरवमय पलों में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। अभी मुख्य अतिथि महोदय उपखंड अधिकारी महोदय चेतारण श्रीमान श्याम सुंदर जी विश्नोई एवं डीवाईएसपी महोदय श्री सुखाराम जी विश्नोई द्वारा परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। आप सभी के सामने सधे हुए कदमों से सार्जेंट्स आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य
को खुद पे कुर्बा सकती हूँ। मेरे हाथ में कंगन नहीं बंदूक घुमा कर तो देख, मेरे जिस्म पर साड़ी नहीं खाकी वर्दी लगा कर तो देख। सर्वप्रथम हमारे ध्वजारोहण स्थल पर पहुंचने जा रहे जतिन सिसोदिया और उसके पश्चात हमारा व्हाइट कमांडर ग्रुप शुभम खिड़िया प्रतिवन कमलेश चंद्र मकवाना और कार्तिक राखेचा। हमारा तिरंगे की पोशाक केसरिया सफेद और हरा रंग लिए हुए ये हमारे कमांडो ग्रुप ध्वज को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान श्याम सुंदर जी बिष्ट साहब सलामी ले रहे हैं और साथ में डीवाईएसपी साहब श्रीमान सुखराम जी बिष्ट साहब भव्य बागार 74वां गणतंत्र दिवस समारोह एनसीसी सीनियर ग्रुप विकास के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरता हुआ एनसीसी जूनियर निखिल कुमार के नेतृत्व में ध्वज को सलामी देते हुए हमारे बहुत ही होनहार विद्यार्थी और इसके साथ ही जो ध्वज स्तंभ की तरफ बढ़ रहा है एनएसएस सीनियर ग्रुप देवेंद्र
सांसद गहलोत ट्रस्ट सिंह के नेतृत्व में शानदार हर्षोल्लास और धूमधाम से यहाँ पर 74वां गणतंत्र दिवस का एक सुंदरतम आगाज। एनएसएस स्वयं सेवी स्वयं से पहले समुदाय को स्थान देता है और इनका प्रतीक चिन्ह कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ के पहिए से लिया गया है, जिसकी 8 तीलियां स्वयं सेवकों को 8 पहर गतिमान रहने की प्रेरणा देती हैं। अभी आपके सामने से एनएसएस गर्ल्स का ट्रुप गुजर रहा है, जिसकी ट्रुप लीडर है लक्ष्मी, जो की कक्षा 11C की छात्रा है। आदर्श वाक्य नॉट मी बट यू, राष्ट्र के युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम है। अगला ट्रुप आपके सामने गर्ल्स आर्मी कमांडो, जिनकी ट्रुप लीडर है भावना नाथ। अब आपके सामने शारदा छात्रावास की पूजा भामाराम क्लास 12th, जिसे जोशीले अंदाज में यहाँ पर ताड़ना देख के साथ ही ध्वज को सलामी देती है बालिकाएं ब्लेजर के अंदर और विद्यालय गणवेश के अंदर आगे बढ़ रही है। यह शारदा छात्रावास, इसके बाद आ रही है केजीबीवी गर्ल्स स्कूल के कैंपस में स्थित केजीबीवी छात्रावास पूजा तुलसीराम आठवीं के नेतृत्व में। ये छोटी छोटी बालिकाएं आज देश का भविष्य और नारी और बालिकाओं की जो भूमिका आज देश में बढ़ती जा रही है फोर्स के अंदर बहुत ही काबिले तारीफ। सीनियर गर्ल्स ग्रुप लीडर यहाँ पर, इसके साथ ही गाइड कोमल साकला के नेतृत्व में बढ़ रही आगे, जिन्होंने निम्नलिखित ब्रह्मांड रोहट में विश्व स्तरीय जो जमुरी आयोजित हुई थी, हमारे पाली जिले का जो गौरव हासिल हुआ था, इनमें इन काफी बालिकाओं ने भाग लिया। इसके साथ ही स्काउट ट्रुप लीडर पीयूष राजपुरोहित 12D के नेतृत्व में यहाँ पर ध्वज को सलामी देता हुआ ये ट्रुप आगे बढ़ रहा है अपने गंतव्य स्थान की ओर। इसके साथ ही बालिका सीनियर विद्यालय के ट्रुप लीडर सुमन 11th के नेतृत्व में ध्वज को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं सभी विद्यार्थी, ये बालिकाएं, और इसके बाद बालिका सीनियर स्कूल जूनियर की छात्राएं।